वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरसीबी की टीम से एक ट्रेड विंडो की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों को छोड़ी बताने वाला हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये खबर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि फाफ डुप्लेसी, जी हाँ फाफ डुप्लेसी, यानी कि आरसीबी के कैप्टन आप लोगों को सीएसके की टीम में जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी ट्रेड बहुत ज्यादा आप लोगों को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ये खबर आप लोगों को देखने को मिल रही है कि फाफ डुप्लेसी को ट्रेड कर दिया आरसीबी की टीम ने सीएसके की टीम में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सार की सारी क्लियरिटी दे देता हूँ कितना सच है कितना फेक है। देखिए, सबसे पहली बात तो फाफ डुप्लेसी आप लोगों को खुद मालूम होगा कि मेरे हिसाब से धोनी की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, एमएस धोनी की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा फाफ डुप्लेसी खेले हैं। मेरे हिसाब से 2000, अगर वो मेगा ऑक्शन नहीं होता 2021 के बाद, तो मेरे हिसाब से फाफ डुप्लेसी को वो रिटेन करते। सबसे बड़ी गलती थी सीएसके की जब उन्होंने फाफ डुप्लेसी को छोड़ा था। अगर फाफ डुप्लेसी उसमें रिलीज नहीं होते मेगा ऑक्शन है, तो मेरे हिसाब से अभी कैप्टनसी करते हुए भी नजर आते आप लोगों को सीएसके की टीम की। क्योंकि देखिए, सीएसके में वो बहुत ज्यादा खेले, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, मतलब 6-7 साल हो गए होंगे धोनी के अंडर खेलते हुए। और अभी भी सीएसके के फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर फाफ डुप्लेसी ट्रेड भी होते हैं ना सीएसके की टीम में, तो वो आराम से उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, आराम से अपनी टीम का कैप्टन भी बना सकते हैं। देखिए, फाफ डुप्लेसी अभी देखा जाए आरसीबी की टीम के कैप्टन है। और अभी जो भी आप लोगों को ये खबर देखने को मिल रही है ना, वो जरा सा फेक न्यूज़ है, कोई भी ये सच्ची नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है, आरसीबी टीम अपने कैप्टन को रिलीज कैसे कर देगी या फिर अपने कैप्टन को ट्रेड कैसे कर देगी? देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से 2024 तक तो वो आप लोग आरसीबी कैप्टन देखने को मिलेंगे। 2025 में अगर मेगा ऑक्शन होता है, तो उसके बाद कुछ और नजरिया होगा टीम का, तो उस टाइम वो शायद रिलीज हो जाएंगे। और अगर वो रिलीज भी होते हैं, तो आरसीबी टीम 2025 में भी मेगा ऑक्शन में उन्हें फिर से रिवाइव करने के पीछे जाएगी। और मेरे हिसाब से वो आप लोगों को आरसीबी की टीम में ही देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों को एवी डिविलियर्स होगा, आप लोगों को क्रिस गेल होगा, विराट कोहली होगा, ग्लेन मैक्सवेल होगा, इन सबको मतलब देखा है आरसीबी रिलीज नहीं करती, अपनी टीम में ही खिलाती है। मेरे हिसाब से फाफ डुप्लेसी भी आप लोगों को अब हमेशा आरसीबी की जर्सी में ही देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो भी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि सीएसके में ट्रेड होगा, ये जरा सा फेक न्यूज़ है। तो मैंने आप लोगों को सारे की सारी क्लियरिटी दे दी, ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।